नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहां पर बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए, studyforcivil.services है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे हाइलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रीटिंग्स एवरीवन, इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी प्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 11 है। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। यहाँ पर ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट लोब्स दिए गए हैं, ब्रेन में चार लोब्स होते हैं उनको दिए गए हैं और उनका फंक्शन क्या होता है उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फ्रंटल लोब जो है हमारे कॉग्निशन के लिए, अनुभूति के लिए जो है यहाँ पे जिम्मेदार होता है। पैराइटल लोब का काम जो है वो हमारे टच सेंसेशन से जुड़ा हुआ होता है। ऑसिपिटल लोब जो है हमें विजन या फिर हमें देखने में मदद करता है और टेम्पोरल लोब जो है ये हमारे हियरिंग या फिर जो हम सुनते हैं उससे जो है एसोसिएटेड है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नहीं, ठीक है, तो नहीं, नॉट करेक्टली मैच। तो इसका आंसर है डी, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेलो वाले वो हेलो, जो हेलो अगर हम बात करें तो हेलो जो है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर तो इससे नाम से क्या पता चलेगा कि जितने भी पौधे जो सेलाइन वाटर में, ठीक है, जो कि लवणीय मृदा में जो उगते हैं उसको हम कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। ये पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चट्टान से जैसे कि बात करते हैं तो लीथो, ठीक है, चट्टान की जब हम बात करते हैं जैसे लिथोस्फीयर है तो लीथो से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथोफाइट्स हो जाएगा और बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही से मैच है, तो प्लीज इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, तीस्ता नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें करना क्या है, हमें सही स्टेटमेंट का इसमें से चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल हिमालयस, ठीक है, नेपाल से निकलती है, गलत, ठीक है। तीस्ता नदी जो कहाँ से निकलती है वो इंडिया से ही उसका ओरिजिन है और यहाँ पे जो है ये कहाँ से, सोलामो से, ठीक है, सोलामो जो कि हिमालय में है उस वो, और ये इंडियन हिमालय में है, ठीक है, तो वहाँ से जो है इसका ओरिजिन या फिर हम सोर्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तीस्ता तीसरी सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये तीसरी नहीं, ये चौथी सबसे बड़ी रिवर है, ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पहली कौन सी है, पहली है गंगा, दूसरी कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी कौन सी है, वो है मेघना, और चौथी सबसे बड़ी क्या है, वो है तीस्ता, ठीक है। तो तीस्ता रिवर अगर हम देखें तो इंडिया बांग्लादेश की जब भी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में तो तीस्ता नदी का जरूर से नाम आता है, तो यहाँ पे तीस्ता रिवर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तीस्ता रिवर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो तीस्ता रिवर है ये केवल इंडिया में जो है केवल दो स्टेट से ही होकर गुजरती है, दो राज्यों में ही सिर्फ प्रवाहित होती है। पहला कौन सा है, पहला है सिक्किम, ठीक है, पहला है सिक्किम और दूसरा कौन सा है, वो है वेस्ट बंगाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। फोर्थ क्वेश्चन, बुनियादी ढांचे और विकास के वित्त पोषण के लिए नेशनल बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं हमें वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, बिल्कुल सही, ठीक है, इसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओन करती है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह बैंक केवल भारत में स्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 100% तो यहाँ पे उसका शेयर है, लेकिन ये केवल जो है केवल उन कंपनीज को नहीं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो ये केवल लोकेटेड इन इंडिया नहीं, अगर कोई बाहर भी जो है अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसके लिए भी जो है लैंड करती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, विकास वित्तीय संस्थानों के लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाएंगे, ये लाइसेंस जो है वो आरबीआई के द्वारा दिए जाएंगे, ना कि
केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो केवल सही है। तो अब हम इसके बारे में, अगर हम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें, अगर इसके कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक कॉरपोरेट निकाय है, एक कॉरपोरेट बॉडी है, जिसका कि कॉर्पस कितना है इसका 1,00,000 करोड़ रुपए का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है इसका 100% हिस्सा है, ठीक है। इसका एम क्या है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन का एम क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, इन संस्थानों का उद्देश्य उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जो है डोमेस्टिक या फिर जो है यहाँ पर जो विदेशी कंपनियों से ऋण लेना या फिर निवेश करना या फिर निवेशकों को आकर्षित करना है, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से भारत में ही संबंधित हैं, ठीक है, आंशिक रूप से भी या फिर पूरी तरीके से भारत में संबंधित है। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, और इसका लाइसेंस कौन देता है, इसका लाइसेंस जो है RBI द्वारा दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले के मद्देनजर भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग प्रदान किया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, बबीता पुनिया केस, ठीक है। बबीता पुनिया केस के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि वुमेन को जो है आर्म फोर्सेस में भी जो है यहाँ पे परमानेंट कमीशन दे दिया गया है, तो कौन सा केस था, वो बबीता पुनिया केस था। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का सही से मिलान करना है, तो यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और वो कौन से स्टेट में स्थित हैं, हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सतकोसिया कहाँ पर है, वो है ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में है। इसके बाद हम देखेंगे नागरहोल कहाँ पर है, वो है कर्नाटका में। तदोबा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और कावल टाइगर रिजर्व कहाँ पे, वो तेलंगाना में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें जो है सही स्टेटमेंट का जो है यहाँ पर चुनाव करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, खजुराहो मंदिर हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि खजुराहो मंदिर जो है वो है वहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। और राहु टेंपल जो है वो 950 से लेके 1050 AD तक किसने बनाया था, चंडेला डायनेस्टी को जो है इसका श्रेय दिया जाता है खजुराहो के मंदिर बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है, उपरोक्त मंदिरों का निर्माण जो है चंडेला वंश द्वारा किया गया था, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट केवल यहाँ पर सही दी गई है। एट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें यहाँ पर भी जो है हमें सही स्टेटमेंट का जो है चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत में केवल 2 अनुवांशिक रूपांतरित फसलों BT बैंगन और BT कपास की खेती के लिए अनुमति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत में केवल BT कॉटन के लिए जो है यहाँ पर के लिए परमिशन दी गई है, BT ब्रिंजल को उगाने की इंडिया में परमिशन नहीं है, ठीक है, BT कॉटन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, अत्यधिक उपभोग्य सामग्रियों में प्रयुक्त अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव भारत में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा विनियमित है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है या फिर जो इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स होते हैं, ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, ये NAFED के द्वारा नहीं, FSSAI के द्वारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मतलब कि नीदर वन नॉट टू। नाइन्थ क्वेश्चन, पद के स्तर के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें हमें यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। थर्ड नंबर पे आएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और फोर्थ पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 3, 2, मतलब कि ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। टेंथ क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो किसको संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है ए हैबिटेबल जोन, मतलब कि निवास
निवास करने योग्य क्षेत्र, बी तो है इसका सही जवाब। ठीक है, तो अब गोल्डीलॉक जोन होता क्या है? गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? एक हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे कि जो टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर जो है वो तरल रूप में, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, जिससे कि जो किसी भी प्लैनेट पे या फिर किसी भी ग्रह पर जो है जीवन जो है यहाँ वहाँ पर जो है जीवन जो है वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो सन की गोल्डीलॉक जोन में ही आता है। तो गोल्डीलॉक जोन क्या है? वो है निवास करने योग्य क्षेत्र, मतलब कि ए हैबिटेबल जोन। 11th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है, सभी तत्वों के बीच हीलियम का कथनांक सबसे कम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम रहता है। बिल्कुल सही जवाब है, अरे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, राजमहल ज्वालामुखी बेसिन भारत में हीलियम का भंडार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीलियम का उपयोग चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग में किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में किया जाता है। सही जवाब, क्या सही स्टेटमेंट, केरल में उपलब्ध मोनोजाइट रेत से हीलियम प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, करंट अफेयर्स की थोड़ी सी फैक्ट की, ठीक है, तो जो हाल ही में अगर हम देखें तो जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने हीलियम की आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जो इंडिया जो है वो पूरी तरीके से जो हीलियम जो है, हीलियम जो है वहाँ यूएसए से जो है इम्पोर्ट करता है, लेकिन हाल ही में जो है यूएसए ने इसमें कटौती करने का ऐलान किया है। और जैसे कि हमने बात की, हीलियम जो है बहुत तरीके से जो है इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि एमआरआई में यूज़ होता है, पार्टी के जो बलून्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, और रॉकेट्स में भी यूज़ किया जाता है हीलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, एहोला पोर्ट जो है वो कहाँ, किस देश में जो है लोकेटेड है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है मेडागास्कर सी, ठीक है, सी मेडागास्कर में जो है लोकेटेड है। और मिशन सागर फोर, ठीक है, मिशन सागर फोर जो का जो इंडियन नेवल शिप था जलाश्वा, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँचा था? वो पोर्ट एलोहा पहुँचा था, जो कि कहाँ पे है, सदर्न कोस्ट ऑफ मेडागास्कर में, ठीक है, उस मेडागास्कर के दक्षिणी तट पर ये जो है स्थित है एहोला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें कौन सी स्टेटमेंट चुननी है जो कि यहाँ पर सही दी गई है, ठीक है, स्टेटमेंट इज आर और करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। सेकेंड स्टेटमेंट, मिड डे मील विल बी प्रोवाइडेड टू दोज स्टेइंग इन ओल्ड एज होम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। इनको जो है यहाँ पे मिड डे मील नहीं दिया जाएगा, इनको न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी ओल्ड एज होम में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पोषण सहायता प्रदान करना है, जो कि ओल्ड एज होम्स में नहीं रह रहे हैं और गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है, जो भी नहीं रह रहे हैं उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, ग्राम पंचायत और नगर निगम उपरोक्त योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद हम 14th क्वेश्चन को देखेंगे, संबंधित राज्यों के साथ पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स दिए गए हैं, और ये किस स्टेट में, उसको किस नाम से जाना जाता है, हम उसे यहाँ पर हमें मिलान करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें तो जिंग, ठीक है, तो जिंग कहाँ पे कहा जाता है, जिंग कहा जाता है लद्दाख में। उसके बाद कुहल स्कूल्स कहाँ कहा जाता है, वो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ईरी कहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो है तमिलनाडु की। और जोहात जो है वो राजस्थान की टेक्नोलॉजी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है,
इसके साथ साथ पीडीएफ में जो है और भी बहुत सारे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अगर जितना भी इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारे और भी दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 15th क्वेश्चन की, ठीक है। 15th क्वेश्चन की बात करें तो 15th क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट है पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो शुरू किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहां पर। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो है संयुक्त रूप से भारत, फ्रांस और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। गलत, केवल भारत और फ्रांस द्वारा इसे शुरू किया गया था, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था। पेरिस समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो ये जो है पेरिस समझौता जो है ये कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ है उपरोक्त समझौते के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य देश जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पर जो है गलत है, ये भी गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और जो ISA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसको कि पहले गुड़गांव नाम से भी जाना जाता था, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है। और ये कौन से राज्य में का हिस्सा है, ये हरियाणा राज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हाल ही में जो है, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, चाहे वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से परे ही क्यों ना हो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो जितने भी UN के सदस्य हैं वो चाहे तो ISA का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ एंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो है ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड को कितने दिन की अवधि में विमोचित करना कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 15 दिन के अंतराल में जो है जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको जो है उन रिडीम कर लेना चाहिए। 17th क्वेश्चन, परिधिक अर्थव्यवस्था क्या दर्शाती है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या दर्शाती है। तो उसका आंसर है बी, रिसाइकल रेट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब कि उपभोज्य वस्तुओं की पुनरावृत्ति दर, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जो है बहुत हद तक जो है मिनिमाइज किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को तब तक यूज किया जाता है जब तक कि उसे यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम तक उसे यूज कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को जो है बार बार जो है रिसाइकल किया जाता है, जिससे कि हम वेस्ट को जो है बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकें, और जो है किसी भी वस्तु को जो है वस्तु की जो लाइफ है उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा सकें, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया कितना, केवल 20% उसका जितना भी कंज्यूमेबल आइटम्स है केवल उसी को रिसाइकल करती है। और अगर यही बात करें हम यूरोप की, ठीक है, यूरोप में 70% जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, रिसाइकल रेट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, उसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब यही एक सर्कुलर इकोनॉमी है, तो दूसरी क्या होगी, एक होती है लीनियर इकोनॉमी। तो लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, टेक मेक एंड वेस्ट, ठीक है, उसमें रिसाइकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसमें लो, उसको इस्तेमाल करो और उसको डिस्पोज कर दो। जैसे कि यूज़ एंड थ्रो पेन हम लोग खरीदते हैं, कि उसको लाए, उसको लिखा और फिर उसको फेंक दिया, तो ये किसका पार्ट है, ये होता है लीनियर इकोनॉमी का एक हिस्सा है, ठीक है। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो विश्व गौरैया दिवस या फिर वर्ल्ड स्पैरो डे है, 20 मार्च को मनाया जाता है। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखने हैं कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, अर्थ आर इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो है एक इनिशिएटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी ईयर अर्थ आर इज ऑब्जर्व ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे
हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ आवर को, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, वो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो है 1 घंटे के लिए जो है अपने यहाँ की लाइट जो है वो ऑफ कर देते हैं अपने लोकल टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इससे जो है लोगों को एनर्जी बचाने के लिए जो है उनको जो है प्रेरित किया जाता है। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का सही से मिलान करें। महाजनपद दिए गए हैं, ठीक है, 16 महाजनपद जो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, महाजनपद दिए गए हैं और वहाँ पे कौन से राजा थे, किसका शासन था, कौन से रूलर थे, उससे हमें जो है यहाँ पे सूची को मैच करना है। तो पहला कौन सा है, पहला है कौशाला। ठीक है, कौशाल के कौन थे, प्रसन्नजीत थे। फिर उसके बाद है वत्सला, वत्सला के कौन थे, उदयन थे। अवंती के चंद्र प्रद्योत थे और मत्स्य के विराट थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, मतलब कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और यहाँ पे भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट, सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और वर्तमान तेलंगाना के कुछ हिस्सों को राज्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो है सातवाहना जो है आंध्र जो है उसमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पार्ट जो है वही केवल कवर होते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, द आंध्रास वर मेंशन इन द ऐत्रेय ब्राह्मण, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, पहले वे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे और मौर्य वंश के पतन के बाद खुद को पृथक साम्राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया था, किसने, सातवाहना से। तो सातवाहना जो थे वो पहले मौर्य डायनेस्टी का ही एक हिस्सा थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, मतलब कि केवल सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वही सही है। 22nd क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स दी गई हैं और वो कौन सी नदी के किनारे हैं हमें उसको बताना है। ठीक है, कौन से रिवर के बैंक पे हैं हमें वो उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। 22nd को अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा है, मांडा। मांडा किस कौन सी नदी पे है, चेनाब पर है। सेकेंड है रंगपुर, भादुर नदी पर है। दायमामाद किस पे है, वो प्रवरा नदी पे है। और अलादीनो किस पे है, वो इंडस पे है। हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 23rd क्वेश्चन, धोलावीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो अब हम धोलावीरा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बस्ती स्थल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लार्जेस्ट सेटलमेंट साइट है। एविडेंसेस ऑफ इरिगेशन एंड डैम्स वर फाउंड फ्रॉम धोलावीरा, ये भी सही स्टेटमेंट है। धोलावीरा की खुदाई एस आर राव की अगुवाई में की गई थी, तो बिल्कुल ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड है। तो इसका धोलावीरा का एक्सकेवेशन, ठीक है, किसकी अगुवाई में किया गया था, वो थे R.S. बिष्ट। ठीक है, ये एक मिडिल टाउन था, एक यहाँ पे जो है यहाँ पे मेगालिथ ब्यूरियल पाया गया है, 10 अल्फाबेट्स का साइन बोर्ड भी पाया गया है जो कि हमें कई तरह की जो है दिशाओं को जो है इंगित करता है। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या है, ये 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो केवल सही है। 24th क्वेश्चन देखेंगे, 24th क्वेश्चन है, विदेह माधव की कहानी निम्नलिखित में से किस पार्ट में दी गई है। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है बी, मतलब कि शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो विदेह माधव की जो कहानी है ये किसने, ये जो है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में जो है दिया गया था। और ये जब यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें के जितने भी वर्शिप रिचुअल्स हैं, ठीक है, जितने भी पूजा अनुष्ठानों के लिए मंत्र का संचय जो है वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है यजुर्वेद में। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सत्य है, हमें उनका चुनाव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेरियस वन पहला विदेशी शासक था जिसने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि साइरस ऑफ पर्शिया जो था, ठीक है, साइरस ऑफ पर्शिया जो था वो पहला ऐसा कॉन्करर था जिसने कि भारत में प्रवेश किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भारतीय सैनिकों ने फारसी सेना में सेवा प्रदान की है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, मतलब कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो फारस निवासी जो साइरस है, ठीक है, वो पहला ऐसा विदेशी शासक था जिसने भारत में प्रवेश किया था। भारत के जनजाति जो कि सिंधु नदी के पश्चिम में बसे थे, उन्होंने साइरस का सम्मान किया था। ठीक है, तो अगर हम डेरियस वन को देखें तो डेरियस वन कौन था, डेरियस वन जो था ये साइरस का जो है ग्रैंड सन था, उसका पोता था। और इसने कहां से, इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया से प्रवेश किया था 515 BCE में।
ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने फारसी सेना में जो है अपनी सेवा प्रदान की थी, और जो जर्क्सिस था, ठीक है, अगर जो भारतीय सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनका रिक्रूट किसने किया था? उनको रिक्रूट किया था जर्क्सिस ने, ठीक है, XERXEX, ठीक है, उन्होंने इसका इंडियन सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया था। 26 क्वेश्चन को देखेंगे। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट को जो है उनका चुनाव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द इरानियंस, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, अशोक ने के कुछ शिलालेख भी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे गलत है, ये बाएं से दाएं नहीं, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, ये अरेबिक की तरह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो अगर हम और ईरानियन इन्फ्लुएंस की बात करें कि जब ईरानियंस आए थे इंडिया में तो उनका इंडिया के समाज पे, इंडिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट लेके आए थे। रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो ईरानियंस की देन है। जितने भी जो है रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो जो शिलालेख जो किसी भी रॉक्स पे लिखा जाता था, शिलालेख जो थी वो भी ईरानियन की ही जो है देन थी। और घंटे के आकार की राजधानी की अवधारणा, बेल शेप्ड कैपिटल जो है वो भी किसने की दिया था? वो भी ईरानियंस ने ही दिया था। इसके बाद हम देखेंगे 27th क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है दो सूची दी गई है जिसका कि हमें मिलान कराना है। बुद्धिस्ट काउंसिल दी गई है और वो कौन से प्लेस पे हुई थी, हमें वहां पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी राजगृह में, ठीक है। सेकेंड काउंसिल कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। थर्ड काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में, और फोर्थ जो है वो कश्मीर में हुई थी। तो आंसर क्या होगा? D 3, 4, 1 and 2। 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पूर्व मौर्य युग में भूमि को मापने के लिए प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? इसका आंसर है डी सीता, ठीक है, इसका आंसर है डी सीता, जो कि स्टेट के लैंड्स को, ठीक है, जो कि स्टेट के लैंड्स को रेफर करती है। सीता किसको कहते थे? स्टेट लैंड्स को। 29th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नॉट करेक्टली मैच है। तो 29th में अगर हम देखें तो सी, ठीक है, सी इसका आंसर है, बिलहना जो है गीत गोविंद, ठीक है, तो ये जो है ये गलत है। गीत गोविंद किसने लिखा था? ये लिखा था जयदेव ने, ठीक है, जयदेव ने। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। और जो बिलहना है, ठीक है, बिलहना ने क्या लिखा था? विक्रम देवचरित, ठीक है, तो उन्होंने विक्रम देवचरित लिखा था बिलहना ने। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा सी। 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जो है यहाँ पे हमें देखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में जो है कौन कौन से जो है घटनाएं घटी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा A 1 and 2, सेकेंड मराठा वॉर और फोर्थ मैसूर वॉर जो है, यही केवल जो है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुई थी। और जो फर्स्ट बर्मीज वॉर है, पहला बर्मी वॉर जो है, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में, ठीक है, एमहर्स्ट, इनके कार्यकाल में ये हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 31st क्वेश्चन, किसने कहा था हमारी प्रणाली स्पंज की तरह काम करती है, गंगा के किनारे से सभी अच्छी चीज़ों को खींचती है और उन्हें थेम्स के किनारे निचोड़ देती है। थेम्स जो है वो लंदन की नदी है। तो यहाँ पे जो है ये किसने कहा था हमें ये बताना है, तो ये है जॉन सुलिवन। तो आंसर क्या है? बी, जॉन सुलिवन। इसके बाद 32nd क्वेश्चन, यहाँ पे सूची दी गई है, दो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स दी गई हैं और वो कौन से स्टेट से संबंधित है, हमें वहाँ पे जो है इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन है ना, सबसे पहले अगर हम देखें तो गद्दीज हैं। गद्दीज कहाँ पर होते हैं? गद्दी होते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, गद्दी कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मुरियास कहाँ होते हैं? वो मध्य प्रदेश में होते हैं। लोहड़ा जो होते हैं वो झारखंड में होते हैं, और असुर जो होते हैं वो बिहार में होते हैं। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 and 3, मतलब कि सी आंसर है इसका। 33rd क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है हमें ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पहला स्टेटमेंट है, डिफेमेशन इज एन एक्सेप्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(2), ठीक है। तो डिफेमेशन मतलब कि तहत मानहानि अनुच्छेद 19(2) के तहत बोलने की स्वतंत्रता का अपवाद है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों ही तरह का अपराध है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफेमेशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का ऑफेंस है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। 34th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और क्वेश्चन और पहला स्टेटमेंट क्या है, 1937 के चुनावों के दौरान अंग्रेजों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये जो है गलत स्टेटमेंट दिया गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, चुनाव परिणाम घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, सही स्टेटमेंट है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, स्टेट असेंबली इलेक्शन केरला में, ठीक है। केरला के 1960 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, इसको जो है ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनको जो है कुछ यहाँ पे ऐसी जो है गाइडलाइंस दी जाती है जिनका कि उन्हें पालन करना होता है। 35th क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर 34th क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसका आंसर है बी, केवल सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। ये जो है 1937 में नहीं 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन से कथन सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट क्या है, वेमना झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, सही स्टेटमेंट। वेमना झील में 10 नदियों से जल आपूर्ति होती रहती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेमना झील भारत के दूसरे सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 36th क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी दो कथन दिए गए हैं, हमें उन पर विचार करना है और हमें सही स्टेटमेंट को जो है चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 52 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये 52 नहीं, इन्होंने कितने वर्ष पूरे किए हैं, 50, ठीक है। तो इंडिया को सॉरी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1971 में। तो इस तो 2021 में कितना हो गया, 50 साल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि 26 मार्च को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म की वर्षगांठ भी होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल दो। 37th क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है, तो वो है, उसका जवाब है ए, योगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसके अंतर्गत जो है योगा को भी अब शामिल कर दिया गया है। 38th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 पर भारत का स्थान क्या है, तो इसका स्थान कितना है भारत का, वो है 40th, मतलब कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इसमें 53 नेशंस को जो है कंसिडर किया गया था और इंडिया का स्थान कितना है, वो है 40th। 39th क्वेश्चन, प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ फॉर नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद 40th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ट्रू हैं, हमें वो बताना है। तो 40th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्ष 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नोवा संस्करण पेश किया गया है, सही स्टेटमेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 पर भारत को 139th स्थान दिया गया है, सही स्टेटमेंट। पहली कंट्री पहला स्थान किसको मिला है, फिनलैंड को मिला है, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 41st क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है, ठीक है। तो इसको जो है इसका मुख्य विषय क्या था, घड़ी टिक टिक कर रही है, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, द क्लॉक इज टिकिंग। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, वो 24 मार्च को हर साल जो है मनाया जाता है। 42nd क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2020 जो है वो किसको दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, प्रोफेसर शरद
पगारे, ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को कॉन्सेप्ट 31st, ठीक है, ये जो है नंबर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी ना नंबर से पूछ लेते हैं कि 31st व्यास सम्मान किसको दिया गया, या फिर 29th व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो ये भी जब भी आप पढ़ते हैं ना करेंट अफेयर्स की, तो ये चीज़ जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कभी हम लोग पढ़ते हैं कि APEC की मीट हुई है या फिर ब्रिक्स की मीट हुई है, तो वो कौन सी नंबर की मीटिंग थी, 35th थी, 25th थी, तो ये चीज़ भी जो है ना इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये याद रखना है कि ये 31st व्यास सम्मान था 2020 में जो दिया गया है, और ये किसको दिया गया है, ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। उनका काम जो है उनके उन किसके लिए दिया गया है, पाटलिपुत्र की गंगा, ठीक है, पाटलिपुत्र की गंगा के लिए जो है उनको ये इस सम्मान से जो है नवाजा गया है, पाटलिपुत्र की गंगा के लिए, ठीक है, शरद पगारे को। इसके बाद हम 43rd क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैनचेस्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है, ये UK में है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ट्यूरिन को इटली के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ट्यूरिन जो है इसको मैनचेस्टर नहीं, डेट्रॉइट ऑफ इटली के रूप में जाना जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इटली के, ठीक है, तो इसमें से जो है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। 44th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियनाई देशों के रूप में जाने जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसमें से कौन कौन सी जो है उनको जाना जाता है, तो इसका आंसर है ए, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, वो है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। एंड 45th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है बाल्कन देशों का गठन करते हैं, ठीक है, बाल्कन अगर कंट्रीज की, बाल्कन नेशंस की बात करें तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उसमें होते हैं ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया, ठीक है, तो ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया, मतलब कि 1, 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 46th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दिया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, एक होता है बाल्कन कंट्रीज और एक होता है बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, एक होता है बाल्कन नेशंस जो कि होते हैं कंट्रीज, और एक होते हैं बाल्कन बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, बाल्कन नेशंस और बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो अब बाल्टिक राज्यों का हिस्सा कौन सा जो है, कौन सा देश जो है वो नहीं है, तो अगर हम बाल्टिक स्टेट जो है उसमें केवल तीन जो है कंट्रीज जो है उसमें इंक्लूडेड होती हैं, वो है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्बेनिया, जो कि बाल्टिक राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बाल्कन नेशंस, बाल्कन कंट्रीज, जिसमें कि तीन देश हैं, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया, और यहाँ पे अगर हम बाल्टिक स्टेट्स की बात करें तो उसमें है लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ठीक है। अब हम चलेंगे 47th क्वेश्चन की तरफ, और 47th क्वेश्चन पूछता है, विच इंडियन स्टेट इज रैंक्ड नंबर 1 ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, ठीक है, निर्यात प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 पर किस भारतीय राज्य को नंबर 1 पर रखा गया है, तो इसका आंसर है ए, मतलब कि गुजरात, ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो है महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, फर्स्ट पे गुजरात है। 48th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वहाँ पे यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कलारीपयट्टू को भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है जो अभी तक प्रचलन में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये केरला से बिलोंग करती है, ठीक है, मॉडर्न डे तमिलनाडु नहीं, ये कहाँ से है, ये जो है ये केरला से जो है शुरुआत हुई थी, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, मतलब कि A is the right answer. 49th question. फ्रांस निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, तो नहीं करता है, तो आंसर क्या है, ए, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 50th क्वेश्चन में जो है यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सही स्टेटमेंट, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, सही स्टेटमेंट, वोल्गा सागर रबर प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, गलत,
ठीक है, ये किसके लिए जाता है, जाना जाता है, वीट एंड वुडन प्लांटेशन के लिए, ठीक है, वीट एंड वुडन प्लांटेशन के लिए वोल्वा बेसिन को जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 51st क्वेश्चन, ठीक है। डेन्यूब नदी यूरोप की कितनी राजधानी से होकर बहती है, रिवर डेन्यूब फ्लोज थ्रू हाउ मेनी कैपिटल सिटीज इन यूरोप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैपिटल सिटी ऑफ रोमानिया, मतलब कि बुखारेस्ट, इसको की कहते हैं, यूगोस्लाविया की जो कैपिटल है बेलग्रेड, हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, और स्लोवाकिया की जो कैपिटल है ब्रासिलावा, ठीक है। तो इन पांचों राजधानी से जो है डेन्यूब नदी जो है होकर गुजरती है। 52nd क्वेश्चन, ये सबको जो है एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। 52nd क्वेश्चन, भारत चीन संबंधों के संदर्भ में सलामी स्लाइसिंग क्या इंगित करता है, ठीक है। सलामी स्लाइसिंग जो है इंडिया चाइना रिलेशन में किस चीज़ को इंगित करता है, तो उसका आंसर है ए, चाइनाज स्मॉल टेरिटोरियल क्लेम्स इन इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र में चीन के छोटे क्षेत्रीय दावे को जो है सलामी स्लाइसिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। सलामी अगर जो दक्षिण चीन सागर में जो है भारत, जापान और अन्य देश जो है वो चीन के खिलाफ जो है एक तरफा सैनिक कार्रवाई को वर्णन करने के लिए सलामी स्लाइसिंग शब्द का काफी तीव्रता से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी दक्षिण चीन सागर के जितने भी कंट्रीज हैं, भारत है, इंडिया है, जापान है, या फिर जो और अन्य छोटे छोटे देश हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे जो है चाइना जो है अपनी पहुंच ज्यादा बनाने के लिए उनके ना छोटे छोटे जितने भी टेरिटरीज हैं उन पर दावा करने लगा है, और इसी को नाम दिया गया है सलामी स्लाइसिंग का। 53rd क्वेश्चन, इवाली डिसीज इज कॉज्ड मेजरली बाय, इवाली रोग जो है किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है बी, मतलब कि ई सिगरेट के द्वारा, ठीक है। बी मतलब कि ई सिगरेट के द्वारा, जिसके कारण क्या होती है, लंग इंजरी हो सकती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वापी, ठीक है, मतलब कि वेपिंग एसोसिएटेड पल्मोनरी इलनेसेस, ठीक है, वेपिंग एसोसिएटेड, ए से एसोसिएटेड, पी से पल्मोनरी और आई से इलनेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वापी भी कहा जाता है। 54th क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन शहरों से नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो आंसर, तो इसमें कीवर्ड क्या है, नॉट पास, ठीक है, तो नॉट बताना है, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ से प्रयागराज तक जो है इसको बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मतलब कि वाराणसी और गाजियाबाद से जो है ये नहीं गुजरेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड जो वाराणसी और गाजियाबाद से जो है ये नहीं गुजरेगा, और ये जो है मेरठ टू प्रयागराज जो है बनाया जा रहा है, तो प्रयागराज तो ऑब्वियसली है, और ये जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज, ठीक है। और इस और उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 2023 तक जो है ये कम्प्लीट होगा। 55th क्वेश्चन की बात करेंगे, और 55th क्वेश्चन कहता है, अब्राहम समझौता किन देशों के बीच का शांति समझौता है, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड इज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 1, 2 and 3, इसके अंदर जो है सऊदी अरब जो है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। 56th क्वेश्चन, व्यापार बढ़ाने की सुविधा रुपए डीहा एकीकृत चेक पोस्ट किन देशों के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल, ठीक है, वहाँ पे जो है रुपही डीहा जो है चेक पोस्ट जो है वहाँ पर है। 57th, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के मारवाह द्वीप पर क्या मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेचुरल पर, विश्व के सबसे प्राचीन प्राकृतिक मोती जो है वो यहाँ पर पाई गई है। 58th क्वेश्चन, आगामी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कौन सी बैटरी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सी है, 58 में है डी, लिथियम आयन बैटरी का बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो है यहाँ पे जो है इसमें किसका यूज़ किया जाता है, लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया जाता है, और ये रिचार्जेबल होती हैं। 59th क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी LPG पाइपलाइन किन शहरों के बीच प्रस्तावित की गई है, तो उसका आंसर है ए, मतलब कि कांडला से लेकर गोरखपुर के बीच में। निपा वायरस क्या है,
ठीक है। निपाह वायरस क्या है? अगर निपाह वायरस की बात करें तो ये चमगादड़ जनित रोग है, ये भी एक बैट बॉर्न डिसीज होता है। जैसे कि माना जा रहा है जो कोरोना वायरस है ये किससे है, ये भी जो है ये एक चमगादड़ जनित इसको माना जा रहा है। तो इसी तरह जो निपाह वायरस है ये भी जो है ये एक बैट बॉर्न डिसीज है, ठीक है, और जो कि ह्यूमंस में होता है या फिर अदर एनिमल्स में भी हो सकता है। और ये जो है यहाँ पे जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो है इसका कई कई जो है प्रकोप देखा गया है। इसके बाद हम 61st क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है ज़ीनोबोट दुनिया का पहला लिविंग रोबोट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह एक अफ्रीकी मेढक के भ्रूण से बनाया गया है, ठीक है, जो अफ्रीकन फ्रॉग है उसके एम्ब्रियो लेके जो है इस रोबोट का जो है इस रोबोट को जो है विकसित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी कि बोथ स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक रोबोट बनाया है जिसमें कि उन्होंने जो अफ्रीका में पाए जाने वाले जो जलीय मेढक होते हैं, ठीक है, वाटर एक्वेटिक फ्रॉग होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले जो फ्रॉग्स होते हैं उससे जो है उनको ये लिविंग रोबोट जो है वो बनाया गया है उनके एम्ब्रियो को लेकर। तो इसलिए इसको एक लिविंग रोबोट का नाम दिया गया है जिसका कि नाम क्या दिया गया है, ज़ीनोबोट। इसके बाद हम 62nd क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी समकालीन सभ्यताओं से कौन सा कारक अलग करता है। तो ये जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें जो अर्बन पूरा स्ट्रक्चर था ये सभी जितनी भी उस टाइम की सिविलाइजेशन थी जितनी भी सभ्यताएं थी उससे इनको अलग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी मतलब कि शहरी नियोजन या फिर अर्बन प्लानिंग। तो इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एक शहरी सभ्यता का भी नाम देते हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके बाद 63rd क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को पेश किया है। तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश जो सरकार है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो स्कूली शिक्षा है वहां पर सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, और हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है, साहिबजादा दिवस, ठीक है। 64th क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है बी 24 दिसंबर। 65th क्वेश्चन, भारत का क्षय रोग के उन्मूलन का उद्देश्य कब तक का है, ठीक है, कब तक जो है इंडिया ने भारत सरकार ने ये एम रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरीके से इंडिया से मिटा दिया जाएगा। तो इसका आंसर है बी 2025 तक, ठीक है, वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि तब तक में जो है टीबी को पूरी तरीके से यहाँ इंडिया से खत्म कर दिया जाएगा। 66th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट क्या है, वांगला मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, ठीक है, वांगला, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि उपरोक्त उत्सव सूर्य देव को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाने वाला एक फसल कटाई का उत्सव है, ठीक है, जैसे बैसाखी होता है और पोंगल है, तो उसी तरीके से जो है मेघालय में जो है वांगला जो है उत्सव जो है वो मनाया जाता है, और इसमें सूर्य देवता को जो है धन्यवाद दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिए गए हैं। 67th क्वेश्चन, ISSF, ठीक है, इसका क्या मतलब है ISSF का, कि इंडियन शूटिंग वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, इंडियन शूटिंग वर्ल्ड कप जो में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो यहाँ पे हमें जो है कीवर्ड में हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट, ठीक है, तो नॉट पे जरूर ध्यान देंगे कि किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी अमरिंदर कौर, ठीक है। तो ये जो जो इंडियन ट्रायो है श्रेयसी सिंह, मनीषा कीर, ठीक है, श्रेयसी सिंह, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी, इन तीनों ने ही जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड मेडल लिया है वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट में। इसके बाद हम 68th क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, और इसमें भी हमें सही स्टेटमेंट का यहाँ पर चुनाव करना है।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, लखनऊ नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर भारत का पहला नगर पालिका बन गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गाजियाबाद नगर निगम को BSE बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम को BSE में प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पर उसको मंजूरी दे दी गई है। कब दी गई है, अभी हाल ही में दी गई है, मार्च 31, 2021 में दी गई है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 69 क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट निम्नलिखित में से किन देशों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कौन से दो देशों के बीच की है, तो ये है भारत और मंगोलिया के बीच की, ठीक है। भारत और मंगोलिया के बीच की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको नाम दिया गया है नोमैडिक एलिफेंट। 70th क्वेश्चन, निम्न में से किसको एक पुष्पन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, फ्लावरिंग हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका मतलब, इसका आंसर है सी, फ्लोरीजेन, ठीक है। 71st क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें यहाँ पर सही कथनों का चुनाव करना है, ठीक है, कौन से कथन जो है वो सही है हमें वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है पूंजीगत व्यय योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए राज्यों को ऋण दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, उपरोक्त ऋण केवल उत्तर ईस्टर्न राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो ये है क्या आखिर, तो ये जो असिस्टेंस है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो है ये आत्मनिर्भर पैकेज 2.0 के अंतर्गत जो है इसको जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उन स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, उस पर मतलब कि कोई भी ब्याज नहीं लगता, ऐसा लोन देती है वो उन राज्यों को जिनका की जो टैक्स रिवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है COVID-19 पैंडमिक के दौरान, ठीक है। COVID-19 के चलते जो है कुछ राज्यों का जो टैक्स रिवेन्यू था उनका बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन राज्यों को उनके केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, जैसे कि नाम से ही दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो केवल जो उनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे कि अगर उन्हें कहीं से जो किसी भूमि का अधिग्रहण करना है, लैंड एक्विजिशन करना है, बिल्डिंग बनानी है, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है, मशीनरी खरीदनी है, या फिर उनको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही केवल ये लोन दिया जाएगा और ये लोन पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई थी, तो यहाँ पर जो है डी जो है यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली एरियाज के लिए नहीं है, ये उन सभी राज्यों के लिए है जिनको की टैक्स रेवेन्यू में गिरावट देखी गई है ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। 72nd क्वेश्चन, बक्शाली पांडुलिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमें देखना है और हमें यहाँ पर भी जो है सही जो स्टेटमेंट्स हैं उनका चुनाव करना है, ठीक है, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट्स का चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, बक्शाली पांडुलिपि एक मेसोपोटामियन पांडुलिपि है, ठीक है। तो बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये एंशियंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसको कि थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी में लिखा गया था। तो ये मेसोपोटामियन पांडुलिपि नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि एंशियंट टाइम में लिखा गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, मतलब कि ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें जीरो सिंबल के भारतीय उपयोग के शुरुआती प्रमाण उपलब्ध हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें हमें सबसे शुरुआती एविडेंस मिलता है, सबसे पहले का एविडेंस मिलता है किसका, जीरो का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट, ये मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो ये जो है पाली में भाषा में नहीं, ये किस में लिखा गया था, ये लिखा गया था संस्कृत में, ठीक है,
और ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में, और इसी के साथ इसमें जो लोकल डायलैक्ट्स होते हैं, ठीक है, लोकल डायलैक्ट्स या फिर जो लोकल भाषा होती है उसमें भी ये लिखा गया था। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, मतलब कि ओनली टू, केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। 73rd क्वेश्चन, वर्तमान में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर क्या है? ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में क्या है? वो है बी 2.1। ठीक है, 2.1 जो है वो फर्टिलिटी रेट है, सॉरी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है। तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट या फिर प्रजनन दर को का अर्थ है कि बच्चे पैदा कर सकने की आयु में, ठीक है, जो कि मतलब कि आमतौर पे माना जाता है कि 15 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक की फीमेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। ठीक है, और उनकी और जो और इतनी जो 15 से 49 ईयर्स तक की जो महिलाएं होती हैं उनमें जो है प्रति जो 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे गए जीवित बच्चों की संख्या जो होती है, ठीक है, उसके लिए जो है उसको कहते हैं हम फर्टिलिटी रेट। और जो कुल प्रजनन दर से, प्रतिस्थापन प्रजनन दर से कम होने पर देश की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से कम है तो कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी? वो डिक्लाइन होगी। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स थे, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया है। 74th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? नॉट करेक्ट, ये हम लोग ध्यान में रख के अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? हर घर जल योजना 2019 में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपरोक्त योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक हर घर में एक चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि 2022 तक का लक्ष्य नहीं, ये 2024 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में, ठीक है, एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा। कौन से वर्ष तक? वर्ष 2024 तक। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गई। तो मतलब कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश में केवल 10% लक्षित घरों में नल का जल कनेक्शन मौजूद है। बिल्कुल सही। तेलंगाना और गोवा में 100% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। और इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तेलंगाना और गोवा के बाद, ठीक है, जो बिहार है, बिहार में जो है इसके लक्ष्य का जो है, बिहार में 67% जो है, जितना भी लक्ष्य रखा गया है उसका 67% जो है बिहार में जो है इसका हासिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, और बिहार में, तेलंगाना गोवा में तो 100% है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है वो बिहार ही होता है, जहाँ पर कि 67% घरों को जो है फंक्शनल टैप से जो है कनेक्ट कर दिया गया है। 75th क्वेश्चन, परियोजना निसार किन अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच की एक संयुक्त पहल है? प्रोजेक्ट निसार इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन, तो उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है इसरो और नासा। ठीक है, इसरो और नासा का ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। 76th क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो सूची दी गई है और हमें यहाँ पे उनको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? ग्लाइसरॉल। ठीक है, ग्लाइसरॉल क्या करता है? वो एक प्रिंटिंग इंक के तरह से जो है इसका यूज किया जाता है, मतलब कि प्रिंटिंग में प्रयुक्त यह एक तरह की इंक होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्याही होती है। सेकंड, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड की, तो आयडोफॉर्म। आयडोफॉर्म क्या होता है? ये एक तरह का, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। और फॉर्मेलिन जो होता है, ये जो है हमारा जो खाना होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2। 77th क्वेश्चन को देखेंगे। 77th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें करेक्ट स्टेटमेंट का यहां पर चुनाव करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो किस कारण से होती है? वो होती है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, जल की अस्थायी कठोरता, मतलब कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, वो किस कारण से होती है कठोरता? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था?
क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या है बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है नायलॉन क्या है, तो नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है वो एक पॉलीएमाइड है, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 79th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच है यहाँ पर, तो 79th का आंसर है बी, मतलब कि पैरासाइटिक रूट, ठीक है। पैरासाइटिक रूट कौन से होते हैं, पैरासाइटिक रूट का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है, कस्कुटा, ठीक है। कस्कुटा जो है एक, ये एक तरह का जो है, ये जो है ये एक तरह की पैरासाइटिक रूट होती है। पैरासाइटिक रूट क्या होती है कि जो मतलब कि दूसरे दूसरे के पैरासाइट किसे कहते हैं, कि जो दूसरों पर निर्भर होता है अपने जीवन के लिए। तो एक अगर हम पैरासाइटिक रूट की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि ये दूसरी जगह पर किसी और पेड़ पौधे पर जो है अपनी जड़ को जमा लेता है और वहीं से जो है उसका उसी से जो है अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है बीटल लीफ नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, कस्कुटा है। अगर हम पैरासाइटिक रूट का तो ठीक है, पैरासाइटिक रूट का तो हमने जो है एग्जाम्पल देख लिया है, तो बीटल लीफ क्या है, बीटल लीफ एक प्रकार की क्लाइंबिंग रूट है, ठीक है। बीटल लीफ क्या है, ये एक प्रकार की क्लाइंबिंग रूट है, जो पान का पत्ता होता है ये एक प्रकार की जो है ये क्लाइंबिंग रूट है, और जो पोथोस है, ठीक है, पोथोस जो है वो भी एक प्रकार का क्लाइंबिंग रूट ही है। 80th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका उपयोग संचार के लिए और कोशिकाओं द्वारा संकेत भेजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है और यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, ये जो आपस में जो सेल होते हैं उनको सिग्नल देने का और उनके बीच में जो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसको करने का काम करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो हॉर्मोन्स होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, प्रोटीन का आकार इसके कार्यों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का जो डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं कि अमीनो एसिड की जो है वो किस अनुक्रम पर किस अनुक्रम में लगाए हुए हैं वो उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, ठीक है, पेयर्स आर करेक्टली मैच, यहाँ पे पूछा है करेक्टली मैच कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, पहला है एडिपोस, वाइट एडिपोस टिश्यू इंसुलेट्स द बॉडी, ठीक है, शरीर को इंसुलेट करते हैं जो सफ़ेद वसा उत्तक होते हैं, वाइट एडिपोस टिश्यू होते हैं, सही है। ब्राउन वसा उत्तक, ठीक है, ब्राउन एडिपोस टिश्यू जो होता है ये क्या करता है, ये ऊर्जा का दहन और गर्मी उत्पन्न करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं। 82nd क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे जो क्रॉप्स के डिजीजेस दी गई हैं, ये जो है डिजीजेस का नाम दिया गया है, और ये क्या दिया गया, ये क्रॉप्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या है, रेड रॉट, रेड रॉट किसका किसकी बीमारी है, वो है शुगर केन की। वॉर्ट जो है वो पोटैटो में होता है, आलू में होता है। ब्लास्ट जो होता है वो चावल में होता है, या फिर हम कह सकते हैं धान में होता है। और तुंदु किस में होता है, वो होता है गेहूं में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 2, 3, 4 एंड 1। 83rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहला तो इसमें जो है यहाँ पर जो है पोटेशियम और कोबाल्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है ये तो एकदम सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ हैं ये दोनों जो है यहाँ पर गलत तरीके से मैच है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेयर ही केवल ठीक से यहाँ पे मैच करके दिए गए हैं। तो जिंक क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि जस्ता या फिर जिंक की बात करें, तो जिंक जो होता है ये हमारे इंसुलिन को स्टिमुलेट करने में काम करता है, इंसुलिन को उत्तेजित करता है। और जो मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पर
ये जो है एक्टिवेट्स एंड रेगुलेट नर्वस सिस्टम। मैग्नीशियम जो है तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और विनियमित करता है। तो यहाँ पे जो है ये गलत दिया गया है, जस्ता जो है इंसुलिन को उत्तेजित करता है और मैग्नीशियम जो है एक्टिवेट्स एंड रेगुलेट नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 84th क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कीवर्ड क्या है, यहाँ पे नहीं है हमें वाला चूज करना है जो कि सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ये केवल एक्सोक्राइन फंक्शन का निर्वहन करता है। तो ये जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज के दो मेन फंक्शन है, एक एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन में ये क्या करता है, ये जो हमारे जो ब्लड शुगर होता है, जो हमारी जो रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है, शक्कर की मात्रा जो होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर यही हम एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें, एक्सोक्राइन फंक्शन अगर हम पैनक्रियाज का देखें, तो ये हमारे जो है भोजन को पचाने में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, तो आंसर जो होगा वो डी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज जो है एक प्रकार का ग्लैंड है और इसका क्या, इसका काम क्या है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का फंक्शन जो है ये करता है। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है, वो है लीवर, यकृत। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लीवर। पैनक्रियाज जो होता है वो कन्वर्ट करता है फूड इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। भोजन को शरीर की कोशिका के लिए एक उपयुक्त ईंधन में परिवर्तित करता है और इट इज लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये छोटी आंत में स्थित होता है। 85th क्वेश्चन, जो कि अलग फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ बीमारियां दी गई हैं और वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, हमें उससे जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है, हाइपोकैलेमिया जो है वो होता है पोटेशियम की कमी से। ठीक है, हाइपोकैलेमिया किसकी वजह से होता है, वो होता है पोटेशियम की वजह से। और फिर इसके बाद हम देखेंगे एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस जो होता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके बाद जो है पर्निशियस एनीमिया, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B3, 4, 2 and 1। 86th क्वेश्चन, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत को सौंपी गई हैं। ठीक है, तो भारत को कौन सी नदियां सौंपी गई हैं, तो इसमें कौन सी है, यहाँ पे आंसर है सी, मतलब कि 1, 3 and 4। ठीक है, 1 मतलब कि रावी, 3 मतलब कि सतलुज और 4 जो है वो ब्यास। तो रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो इंडिया के पास है और इंडस, चिनाब और झेलम, ठीक है, आई सी जे किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास है। और बाकी जो रावी, चिनाब और सतलुज है, रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो इंडिया के पास है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 87th क्वेश्चन, जो कि अजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका, तो इसमें अगर हम अजर्शन देखें, ठीक है, तो द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली वीकनिंग विद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, अजर्शन जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड, मोल्टन आयरन इन द अर्थ्स कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। मतलब सही तो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन ग्रेजुअली वीकनिंग विद टाइम, ठीक है, तो ये इसका सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, कि दोनों जो है अजर्शन और रीजन जो है वो सही तो है, लेकिन जो रीजन है वो अजर्शन की सही से व्याख्या नहीं करता है। 88th क्वेश्चन, ये भी assertion रीजन से है। तो सबसे पहला assertion अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेंजरस गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल सही assertion जो का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेक्स अनस्टेबल कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ए तो ट्रू है लेकिन आर जो है वो जो है यहाँ पर फॉल्स दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी।
तो अगर हम देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जो है हार्मफुल क्यों होती है, एक खतरनाक गैस क्यों, किस प्रकार से है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है हमारे हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ये हमारे हीमोग्लोबिन में ज्यादा घुलनशील होती है, ठीक है, ये जो हमारे जो हमारे जो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है, ये तेजी से जो है हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और उसके साथ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा जल्दी जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कंबाइन कर जाती है और उससे जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनता है। और जो CO है, ठीक है, मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा एक स्टेबल कनेक्शन बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ और इसका जो है फर्दर जो है ये डिसोसिएट नहीं हो पाती है। और जब भी जो है पर्सन जो है कोई भी इंसान जो है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को जो अगर इनहेल करता है और उसका पुनः पृथक्करण नहीं हो पाता है, डिसोसिएट नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है, वो जो इंसान है वो सफोकेशन होने लगेगा और उसकी फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि रीज़न जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर जो रीज़न जो है ये फॉल्स है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ ट्रू लेकिन आर जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। 89th क्वेश्चन भी जो है एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है और एजर्शन कहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका कारण क्या दिया गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में वृद्धि के साथ फेफड़े अधिक हाइड्रोजन आयन निर्गमित करते हैं जिनके कारण रक्त की अम्लता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है और ये सही से जो है इसके रीजन जो है वो सही से अजर्शन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 90th क्वेश्चन, ये भी अजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अजर्शन क्या कहता है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर अजर्शन सही दिया गया है और रीजन दिया गया है वाटर हैज ए हाई डाइपोल मूवमेंट, जल में एक उच्च द्विध्रुवीय गति होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही से व्याख्या भी करता है। 91st क्वेश्चन को देखेंगे, आराम कर रहे एक सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की अवधि कितनी होती है, ठीक है, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग मैन द ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट इज, कितनी होती है, वो होती है 0.8 सेकेंड की, ठीक है, 0.8 सेकेंड की। तो क्यों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो धड़कता है जो हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है, तो अगर हम यही 60/72 करें तो आंसर क्या आएगा, 0.8 आएगा, तो इसका आंसर क्या है, 0.8 सेकेंड्स। 92nd क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या होती है, ठीक है, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन, तो इसका आंसर है बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, द अर्थ एंड द सन, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और इसमें जो है हमें सत्य स्टेटमेंट जो है उनका चुनाव करना है, तो यहाँ पर क्या है, पहला कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो स्वपोषित जीव होते हैं, सही स्टेटमेंट। कीमोसाइनेटिक बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि दोनों ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। निम्नलिखित निकायों पर विचार करें, ठीक है, नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है और जोनल काउंसिल है, तो इनमें से जो ये जो है इसमें से जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो कौन कौन है, that provided platform for securing cooperation and coordination between the states in India. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, 2 and 4, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और जोनल काउंसिल, ठीक है, यही जो है यहाँ पर जो है क्या है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आंसर हमारा बी हो जाए। अगला क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन और यहाँ पे है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वो स्टेटमेंट देखनी है जो कि यहाँ पर गलत दी गई है, नॉट करेक्ट दी गई है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये 61
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, जो कि 1991 में जो है पास किया गया था। तो आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, दिल्ली के संबंध में एक विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239A के तहत दिया गया है। तो ये 239A के तहत नहीं, ये 239AA के तहत जो है इसको दिया गया है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 10%, मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों के 10% के रूप में तय की गई है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है, गलत कौन सी है, वो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हम बात करेंगे 96 क्वेश्चन की, और 96 क्वेश्चन है लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और पहला पहला स्टेटमेंट क्या है, 1987 में लोक अदालत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, इनको एक वैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, संवैधानिक नहीं वैधानिक दर्जा दिया गया था, इनको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है इनको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये दोनों ही सही दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही दिया गया है। 97th क्वेश्चन, किस राज्य में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कौन से राज्य में जो है सबसे ज्यादा है, वो है डी हरियाणा में, ठीक है, डी हरियाणा में। 98th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें इसमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, पहला है लेजर डेजलर दोनों जो है दिन और रात के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेजर की चकाचौंध एक व्यक्ति को अस्थायी रूप से अंधा कर देती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो लेजर डेजलर्स है ये पर्सन को जो है टेम्पररीली जो थोड़ी देर के लिए जो है वो ब्लाइंड कर देती है। तो लेजर डेजलर होता क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेजर डेजलर जो होता है ये एक ऑप्टिकल संवर्धन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, ये एक जो है लाइट एमिटिंग की, ठीक है, लाइट एमिटिंग की एक प्रक्रिया है, ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है और लोगों को चेतावनी दी जाती है, ठीक है, और ये एक बहुत ही जो है गैर घातक तरीका है, ठीक है, नॉन लीथल मेथड है वार्निंग देने का, जिसमें कि जो है लाइट को एमिट करके जो है यहाँ पे लोगों को चेताया जाता है। और ये जो है दिन और रात दोनों में ही जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो है इसमें क्या है कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जित पर जो है ये आधारित होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन के मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इसमें को जो स्टिमुलेट किया जाता है और इसको इसके तहत जो है लाइट को एमिट किया जाता है और लोगों को जो है वॉर्न किया जाता है। इसका उपयोग जो है दिन और रात दोनों के दौरान किया जा सकता है और यह न केवल किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से भ्रमित या अंधा कर देता है, बल्कि विमान या मानव रहित हवाई वाहन को भी भ्रमित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो UAV होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 99th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका है डी, साक्ष्य के आह्वान पर विवाद के मामले में समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक है। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात हो रही है, और साक्ष्य के आह्वान पर द चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैज द फाइनल वर्ड इन द केस ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर कॉलिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ कमेटी नहीं, यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है उसका जो है यहाँ पे जो है अंतिम फैसला होता है। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। 100th क्वेश्चन, अब हम देखेंगे निम्न में से कौन कौन से चालू खाता घाटा बढ़ने के संकेतक हैं, कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इसके कौन कौन से जो है संकेतक हैं। तो इसके जो संकेतक हैं वो है, पहला, अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वापसी, ठीक है, विड्रॉल ऑफ FDI, जब FDI जो है यहाँ से विड्रॉल होता है तो हमें लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है।
तो इस ये है निर्यात बढ़ाना, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है बढ़ने का जो है संकेतक नहीं है। एक अर्थव्यवस्था में निवेश का निम्न स्तर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन का निम्न स्तर, ठीक है। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जो भी लोग बाहर गए हैं वो अपनी फैमिली को जो है कुछ पैसा जो है वहाँ की करेंसी में जो है भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेमिटेंसेस भेजते हैं। उनको वो वहाँ की जो जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है अपने घर पर भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। तो प्रेषण का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ रेमिटेंसेस जो है, ये भी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने का हमें संकेतक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 1, 3 एंड 4। 101st क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टान प्रणालियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्यन, इन हमें चारों को जो है यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ए, आ, सबसे पहले आता है धारवाड़, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, धारवाड़ आता है, फिर उसके बाद आता है कडप्पा, फिर उसके बाद आता है विंध्यन रॉक्स, और फिर आता है हमारा गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 एंड 3। इसके बाद हम 102nd क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। तो सही ढंग से करेक्टली मैच कौन सा है हमें वो बताना है। यहाँ पे कुछ जो है प्लेसेस दी गई हैं, और वो कौन सी नदी के किनारे है हमें ये बताना है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है हमारा डी, मतलब कि 2, 3 एंड 4 जो वाले जो पेयर हैं जो है वो तो हमारे एकदम सही हैं। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, और मिर्ज़ापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। लेकिन अगर यही हम बद्रीनाथ की बात करें, तो बद्रीनाथ कौन से रिवर के बैंक पे है, वो भागीरथी पे नहीं है, वो किस पे है, वो अलकनंदा पे है, ठीक है, वो अलकनंदा पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 103rd क्वेश्चन की, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेयर अर्थ में एलिमेंट्स। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और इसमें जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 धातु और गैर धातु तत्वों के सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट का जो है यहाँ पे चुनाव करना है, और यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल जो है मेटेलिक एलिमेंट्स ही जो है इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा बी, और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दुर्लभ पृथ्वी सामग्री पृथ्वी की पपड़ी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी सही स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। 104th क्वेश्चन, बेसल सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है, बेसल कन्वेंशन के बारे में। और यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, जो कि करेक्ट हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, वह यह खतरनाक अपशिष्ट के पारगमन और उनके निपटान को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसे रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी शामिल है, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो COP 14 को, जो COP COP 14 जो होता है, इसको हम जो है बेसल कन्वेंशन के नाम से भी इसको बेसल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो हुआ ये हुआ था। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिससे कि जितने भी जो हजार्डस वेस्ट है उसके मूवमेंट पर जो है रोक लगाया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है जितने भी हजार्डस वेस्ट है उसके मूवमेंट पर जो है इसमें रोक लगाने का काम किया गया है, ठीक है। मेनली जो है हजार्डस वेस्ट जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्री से जो है यहाँ पे जो है जो लेस डेवलपमेंट कंट्री से जो हजार्डस वेस्ट है वो किसी और कंट्री में जो है वहां के मूवमेंट ना मूव ना कर पाए, वहां तक ना पहुंच पाए, इसके लिए जो है बेसल कन्वेंशन जो है यहाँ पे इसमें बात की गई थी। तो यहाँ पे बहुत तरीके जो है वेस्ट जो है वो कवर किए गए हैं, बहुत तरीके के जो अपशिष्ट हैं उसको कवर किया गया है, जैसे कि जो कौन सा है क्लिनिकल वेस्ट जो है इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है माइनिंग वेस्ट भी जो है इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है। ई वेस्ट जो है वो भी इंक्लूड किया गया है, और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो है नाम जो है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इस सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 105th क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है, तो कौन नहीं था उसमें से, वो थे उषा मेहता, ठीक है। उषा मेहता जो थे वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है एक सदस्य नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसमें टोटल महिलाएं कितनी थी, वो थी 15, ठीक है। और उसमें जो है उषा मेहता जो थी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक जो है मेंबर नहीं थी। अब हम देखेंगे 106 क्वेश्चन को। 106 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। यहाँ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है, आइडियल ऑफ जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने सोवियत यूनियन से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, वो ब्रिटेन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया है, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, 2, 3, 4 and 1। 107th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो कौन सा जो है यहाँ पे सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 213, ठीक है, आर्टिकल 213, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये जो है आर्टिकल 143 में दिया गया है। तो 213 आर्टिकल किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो जो गवर्नर्स होते हैं उनको जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के लिए जो है अधिकार देता है आर्टिकल 213। 108th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन से जो है यहाँ पर जो है पार्ट है, तो अगर हम उनकी बात करें तो इसका आंसर क्या है, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ लोकसभा जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो हिस्सा जो है वो नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वो पांच आते हैं, तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और पांचवा कौन सा होता है, पांचवे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भी जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो है हिस्सा एक होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद हम 109th क्वेश्चन देखेंगे, कालानुक्रमिक क्रम में भारत के इन प्रधानमंत्रियों को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं अगर हम उनको देखें तो हमें उनको जो है पहले से शुरू करते हुए जो है उनके कार्यकाल के हिसाब से उनको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन से आते हैं, सबसे पहले हैं चरण सिंह, उसके बाद हैं चंद्रशेखर, और उसके बाद है HD देवेगौड़ा, और लास्ट में है IK गुजराल। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा B 1, 3, 4 and 2। 110th क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, और इसमें है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किसके बारे में था, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये था 110th में जो है यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को जो है आरंभ किया गया था। तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स या फिर पृथक निर्वाचक से संबंधित हैं। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 ये जो है ड्यारकी, ठीक है, इसमें जो है ड्यारकी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और गवर्नमेंट एक्ट 1935 इसमें क्या किया था, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता को जो है मंजूरी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 4, 1 and 3। 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल जो है नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ रिपोर्ट दी गई है और उसको किसके द्वारा जारी की जाती है हमें वो बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 112th क्वेश्चन, पगड़ी संभाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये है बी, मतलब कि अजीत सिंह के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और ये जो अजीत सिंह है ये भगत सिंह के जो है यहाँ के अंकल थे, और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1907 में की गई थी, और ठीक है। नेक्स्ट इस 113th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, तो इसका आंसर है बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है जो प्रीएम्बल है उसमें जो है कई प्रकार के जो है अमेंडमेंट्स किए गए थे। इसमें जो है तीन वर्ड्स जो है यहाँ पर जो है बाद में जोड़े गए थे।
114th क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेलिनिटी इज फाउंड इन, निम्न में से किस जल स्रोत की लवणता का स्तर अधिकतम है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, मतलब कि डेड सी, मृत सागर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, कि जो सेलिनिटी परसेंटेज ऑफ लेक के अगर हम इस हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा जो सेलाइन लेक कौन सी है, वो है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, तो अगर हम ग्रेट सॉल्ट लेक की अगर हम सेलिनिटी की बात करें, तो ये कितनी है, 220% है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी की अगर हम सेलिनिटी की बात करें, तो 170% है। डेड सी की अगर हम बात करें, तो ये कितनी है, 238% है। और यही अगर हम गल्फ ऑफ पर्शिया की बात करें, तो ये 35% है। और इसके बाद अगर हम सबसे सलाइन लेक की बात करें, तो वो कौन सी है, वो है वॉन लेक। ठीक है, वॉन लेक, लेकिन यहाँ पे वॉन लेक जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर तो हो जाएगा डेड सी, लेकिन वॉन लेक जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिनिटी इसी की मानी जाती है, और ये कितनी है, ये करीब 330% की है। ठीक है, 330% की है। इसके बाद हम 115th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है अम्बेडकर नगर। ठीक है, अम्बेडकर नगर का जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो है अकबरपुर में। अमेठी का कहाँ पे है, वो है गौरीगंज में। कुशीनगर का कहाँ है, वो है पडरौना में। और संत कबीर नगर का कहाँ पे है, वो खलीलाबाद में है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 314 and 2। 116th क्वेश्चन, लोकसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, मतलब कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आंसर हो गया ए। इसके बाद हम 117th क्वेश्चन को देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं वो शामिल हैं, प्राइमरी सेक्टर की जो है कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मतलब कि ये जो चारों ही दिए गए हैं, फिशिंग, माइनिंग, हॉर्टिकल्चर, विंड पावर, ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। 118th क्वेश्चन, इसमें जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सत्य हैं, ट्रू हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, ये दूसरा नहीं, ये कौन था, ये थर्ड तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, जिसने कि 1320 से लेकर 1412 तक जो है यहाँ पर रूल किया था। और इसको जो है यहाँ पे जो है थ्रोन कब मिला था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फाउंडर देखें तुगलक डायनेस्टी का, तो वो कौन था, वो था घियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आए थे। तो ये थर्ड रूलर थे। ठीक है, ये सेकंड नहीं, ये थर्ड रूलर थे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की भी मरम्मत की, जो भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही दी गई है। ठीक है, 119th क्वेश्चन को अब हम बात करेंगे, और इसमें पूछा गया है, इन विच 5 ईयर प्लान प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली थी? तो इसका आंसर क्या है, इसका 119 का आंसर है बी, मतलब कि 7th 5 ईयर प्लान में। इसके बाद 120th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो पहली अगर हम बात करें, तो क्या है कि द स्टैचू ऑफ राजा सुहेल देव, ठीक है, बहराइच के जिले में राजा सुहेल देव की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, चित्तौड़ा झील बहराइच जिले में स्थित है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है डी, मतलब कि कोई ना तो एक गलत है और ना ही दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 121st क्वेश्चन की बात करेंगे, सरगासो सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है, एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर होगा ए, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, सरगासो सी जो है ये एक ऐसा सी है जिसकी जिसके की एकमात्र ऐसा समुद्र है जो कि किसी भी भूमि सीमा से जो है वो घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, बिना किसी भूमि सीमा के एकमात्र समुद्र है, और ये चारों ओर से जो है घिरा हुआ है, कई
सारी धाराओं से, ठीक है, जो जो जल धारा होती है वो उसकी उससे घिरा हुआ है सरगासो सी। तो ये कौन कौन से करंट से जो है घिरा हुआ है, वो है गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे सरगासम सीवीड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस और इसी की वजह से यहाँ पे एक यूनिक इकोसिस्टम जो है यहाँ पर डेवलप हो गया है, ठीक है। एक अन्य एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर बन गया है, क्योंकि यहाँ पे सरगासम समुद्री शैवाल जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बन गया है, और इसी के नाम पे इसको सरगासो सी कहा जाता है। 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है, ठीक है, जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है वो जो है वो एम्पलीट्यूड पे जो है निर्भर करती है, ना कि पिच, ठीक है। तो ये पिच नहीं, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एम्पलीट्यूड, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो जो है ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। सेकेंड स्टेटमेंट, 110 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव कर्ण के लिए शोर बन जाती है। तो ये 110 नहीं, ये कौन सी है, ये 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव कर्ण के लिए शोर बन जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, ध्वनि की तीव्रता लहरों के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ठीक है, तो पिच ऑफ द साउंड जो है वो किस पर जो है करती है, वो करती है जितनी जो उनकी वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो लाउडनेस नहीं, ये क्या है, ये है पिच। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिए गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 123rd क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 दिल्ली से चेन्नई तक, ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, ये किसको जोड़ता है, दिल्ली से लेके ये जो है ये मुंबई को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई को जोड़ता है। इसलिए जो है यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो ये जो पेयर है ये गलत है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 1428 किलोमीटर। इसके बाद हम 124th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है, करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा है। तो इसमें आंसर क्या है, 12th अंक जो है वो अंडमान आइलैंड में आइलैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है केवल यही स्टेटमेंट जो है केवल यही पेयर जो है यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसके बाद अगर हम धीनोदार हिल्स देखें, ठीक है, धीनोदार हिल्स कहाँ पर है, ये है गुजरात में, और धोसी हिल्स कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। तो ये जो है यहाँ पे केवल फर्स्ट पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम देखेंगे 125th क्वेश्चन को, केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है डी, मतलब कि लखनऊ में। 126th क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग से है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 126 गंगा जो है, गंगा की जो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूटरी दी गई है, ठीक है। तो अगर हमें जो इस नदी दी गई है और हमें उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ उसको मैच करना है, तो 126 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3। गंगा जो है उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, वो है पुनपुन नदी, घाघरा की जो है वो राप्ती है, कृष्णा की जो है वो दूध गंगा है, और गोदावरी की जो है इंद्रावती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 127th क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे भी ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी जो है 2, 4, 1, 3, मतलब कि सी जो है इसका आंसर है, ठीक है, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। तो लेक बैकल जो है वो कहाँ पर है, वो रशिया में है, लेक वॉल्टा जो है वो कहाँ पे है, वो घाना में है, लेक विनीपिग जो है वो कनाडा में है, और लेक पोपो जो है वो बोलीविया में है। तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 128 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, करेक्टली मैच की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो है डी जो है, मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में जो है इसको बनाया गया था।
इसके बाद अगर हम देखें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, इसको जो है 1876 में नहीं, इसको कब बनाया गया था, इसको 1885 में बनाया गया था, और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट इज इंडियन लीग, इंडियन लीग कब कब बनाया गया था, इंडियन लीग जो है 1875 में बनाया गया था, और इसको किसने बनाया था, इसकी इसका जो फाउंड किया था वो थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन जो है वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा 1876 में इसको गठित किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं स्थापना इसकी की गई थी, कब की गई थी, 1876 में, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 में बनाई गई थी जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी के द्वारा। 129th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से कौन से कथन जो है सत्य है हमें वो बताने हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही दी गई है, तो आंसर हो जो है वो हमारा सी हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। स्टार्टअप उन्नति वॉज लॉन्च बाय HDFC बैंक, ये भी करेक्ट है। द प्रोग्राम एडेड टू मेंटर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय वुमेन लीडर एट द बैंक, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 130th क्वेश्चन की, ये assertion और reasoning वाला क्वेश्चन है, और assertion कहता है suspended particulate matter tend to remain in atmosphere for a long period of time, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया गया है, दे आर टू स्मॉल टू सेटल डाउन ऑन टू अर्थ सर्फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की सतह पर बसने के लिए बहुत छोटे होते हैं, तो ये कारण भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कि दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो assertion की सही से व्याख्या भी करता है। 131st क्वेश्चन की बात करेंगे तो जिंक इज यूज टू प्रिवेंट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग, बिल्कुल सही कहा गया है, और इसका रीजन क्या दिया गया है, जिंक इज लेस इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव देन आयरन, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। जिंक को हालांकि जो है यूज़ किया जाता है आयरन आयरन को या फिर स्टील या फिर अदर मेटल्स के ऊपर, जिससे कि वो जो है कोरोड ना हो पाए, उसमें जो है यहाँ पे जो है उनको जो है जंग से बचाने के लिए जो है जिंक की कोटिंग की जाती है, तो यहाँ पे जो है लेयर जो होती है एक जिंक की जो है उस पर चढ़ा दी जाती है, जो कि एक आयरन को जो है ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी या ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्टिव होता है आयरन से ज्यादा, लेकिन उसमें क्या होता है, इसको इसलिए परत चढ़ा दी जाती है ताकि जो है पहले कोरोड जो है वो जिंक हो और बाद में आयरन हो, तो इसलिए यहाँ पे रीजन जो है वो यहाँ पे जो रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी की ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 132nd क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, और वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक एज, ठीक है, चालकोलिथिक एज की विशेषताएं इसमें से कौन कौन सी हैं, तो इसमें से जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चारों ही विशेषता जो दी गई है, ये चारों ही जो है चालकोलिथिक एज की जो विशेषता है, चालकोलिथिक काल की जो विशेषता है वो सभी है, तो आंसर जो है वो हमारा डी हो जाएगा, कि सामाजिक विषमताओं की शुरुआत जो है वो हुई थी, वृत्ताकार गड्ढे वाले घर यहाँ पे पाए जाते थे, कताई और बुनाई का ज्ञान होता था, भारत में पहली गाँव प्रणाली भी चालकोलिथिक काल की ही पाई गई है, तो आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा डी। 133rd क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, तो महिलाओं ने सभा और विधाता दोनों में भाग लिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, समिति के पास न्यायिक कार्य नहीं हुआ करते थे, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 134th क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कभी पांड्या राजवंश की राजधानी थी ही नहीं, तो वो कौन सी है, वो है बी रामनाथ, ठीक है। 135th क्वेश्चन इज इन वन्यजीव परियोजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 1992 में। हंगुल परियोजना कब लॉन्च की गई थी, वो की गई थी 1970 में। राइनोसोरस परियोजना
जो है वो 1987 में लॉन्च की गई थी, और गिर लॉयन परियोजना जो है वो कब वो लॉन्च की गई थी, वो लॉन्च की गई थी 1972 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2, 4, 3 एंड 1। इसके बाद 136 क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, इंटर काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, मतलब कि ए प्राइम मिनिस्टर जो है होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। 137th क्वेश्चन, एकर एजिया जो सोने को घोलने में सक्षम होता है किसका मिश्रण होता है, ठीक है, एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है वो जो कि सोने को घोलने में सक्षम होता है वो किसका मिश्रण होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 138th क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर ट्रू दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है मटका साइनोबैक्टीरिया का एक जैव द्रव्यमान होता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है, ये मटका नहीं होगा, ये मैचा होगा, ठीक है, मैचा, ठीक है, मैचा, आजकल मैचा पाउडर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जो मैचा जो होता है वो क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया का एक जैव द्रव्यमान होता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो है ये गलत स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है ये ग्रीन टी लीव्स होती हैं, ठीक है, जो हरी चाय होती है, ग्रीन टी लीव्स, हरी चाय वाली पत्ती जो होती है वो होती है मैचा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्लोरेला इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गा दैट इज कंज्यूम्ड बाय पीपल, ये यहाँ पे ठीक दिया गया है स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी की केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम 139 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक ऑर्थोपोड के अंतर्गत आने वाला जीव नहीं है, ठीक है, ऑर्थोपोड के अंतर्गत जो है आने वाला जो है जीव नहीं है। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है 139 का आंसर होगा सी, डी, सॉरी लीच, ठीक है, डी जोंक। इसके बाद हम बात करेंगे 100 लीच जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लीच जो है वो एक सेकेंड सॉरी लीच जो है वो फाइलम एनेलिडा फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 140th क्वेश्चन, और इसमें पूछा है किसकी सिफारिश पर पीसा, ठीक है, मतलब कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो इसका आंसर है सी, भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 141st क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग से है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रामगुंडम प्रोजेक्ट, ठीक है, रामगुंडम प्रोजेक्ट जो है वो कौन से नदी पर है, वो गोदावरी नदी पर जो है वो बनाया जा रहा है। निजाम सागर प्रोजेक्ट जो है वो मंजरी नदी पर बनाया जा रहा है। इदुक्की प्रोजेक्ट जो है वो पेरियार नदी पर बनाया जा रहा है। और राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट जो है वो मंजरी वो चंबल नदी पर जो है वो बनाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 4, 3, 1 एंड 2। 142nd क्वेश्चन, और यहां पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि हमें जो है जियाधल रिवर जो है हमें उसके बारे में जो है बात करनी है। तो ये नेपाल से निकलती है, ठीक है, तो ये नेपाल से नहीं निकलती है, और ये जो ये कहां से निकलती है, ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है जो कि इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कहां से निकलती है, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सुबनसिरी नदी की जो है एक ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, सुबनसिरी नदी की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सोरो ऑफ धेमाजी, ठीक है, इसको सौरव धेमाजी भी कहा जाता है, धेमाजी का शोक भी कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, जियाधल नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक उप सहायक नदी है, ठीक है, और ये भी जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि सुबनसिरी किसकी सुबनसिरी जो है ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा में मीट करती है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और जो सुबनसिरी और सुबनसिरी अंत में किस में मिलती है, वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसलिए सब ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जो है जियाधल को जाना जाता है, सब ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 143rd क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पर भी हमें देखना है कि कौन कौन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें, चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, सही स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट, ईरान में चाबहार बंदरगाह और भारत में कांडला बंदरगाह के बीच की दूरी दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी से कम है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। 144th क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें जो तो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन जो है ये है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये हार्मोन जो है ये कौन रिलीज करता है, ये करता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, वो करता है एड्रिनल ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग जो है वो कौन रिलीज करता है, वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंजियोटेन जो है वो किडनी रिलीज करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, 2, 4, 3 एंड 1। 145th क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मस्तिष्क के दो हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन होते हैं वो दो हाफ में जो है वो होते हैं, तो उनको जो है कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर है ए कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम जो है इन दोनों को जोड़ता है। 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी, ना कि 1992 में, और ये कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 147th क्वेश्चन, जैन शास्त्र मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, वो है बी, मतलब कि प्राकृत भाषा में जो है जितने भी जैन स्क्रिप्चर्स जो हैं वो लिखे गए हैं। 148th क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस सत्र में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार किया गया था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो जो मुस्लिम की जो मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो कांग्रेस ने कौन से सेशन में जो है उसको जो है एक्सेप्ट किया था, तो इसका आंसर है सी, मतलब कि लखनऊ सेशन 1906। तो नेक्स्ट हमारा है 149th क्वेश्चन, जो कि मैच द फॉलोइंग से है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेवा समिति है, सेवा समिति की स्थापना जो है वो हृदयनाथ कुंजरू द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे निष्काम कर्मा मठ, जो कि धोंडो केशव कारवे द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। सेवा सदन की स्थापना जो है बहराम जी मालाबरी के द्वारा की गई थी। और देव समाज की स्थापना जो है वो शिवा अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3। 158th क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मतलब कि हस्तिनापुर, ठीक है। तो इसके बाद ये इसकी पूरी आंसर शीट दी गई है यहाँ पर, और इसके बाद ये जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इफ़ यू वांट तो मैं एक्सप्लेनेशन को भी एक बार स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, जिसको कि मतलब अगर पढ़ना हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प होगी इसकी, ठीक है। तो मैं इसको पूरा स्क्रॉल डाउन एक बार कर दे रही हूँ। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई तरह अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना गया है, तो ये उसके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, और ये स्टेट या फिर जो भी लोग जो भी रीजन में जो भी कहा जाता है वो दिया गया है, ठीक है। फिर ये यही चीज़ हिंदी में दी गई है, ठीक है।
सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो वेरी मच.